लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टैरो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ। ये ध्यान रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मोस्ट इनवाइटेड हैं, बट ये फ्री नहीं होगी। एक बार फिर से आपको याद दिला दूँ, धन्यवाद। अब आगे हम बात करते हैं कि आपने अपने सोल पर्पस को पाने में कितनी देर लगाई है, या वाकई आप कितनी आगे तक पहुंच गए हैं। इसको चुनने के लिए हम कार्ड स्प्रेड करेंगे। नंबर किसी भी तरीके से ले सकते हैं, नंबर 10 ब्लैक और 9 दिस रेड वन, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक को चुनें और ये देख लेते हैं कि सोल पर्पस को जानने के लिए एग्जैक्टली और अभी आपको कितना टाइम लग सकता है, और क्या पता इसी में ही आपको सोल पर्पस नज़र आ जाए, आपको रीडिंग रेजोनेट कर जाए, या कितने परसेंट रेजोनेट की है ये भी मुझे बताइएगा। और हमेशा आगे बढ़ने की ही कोशिश कीजिएगा, ठीक है, धन्यवाद। हेलो एंड वेलकम अगेन जिन्होंने ये नंबर 10 कार्ड चुना है, इसे हम यहाँ रख देते हैं। और ये नंबर 10 आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है। चलिए अब देखते हैं कि आपकी जो जर्नी है, चाहे वो स्पिरिचुअल जर्नी है, सोलमेट जर्नी है, या ट्विन फ्लेम जर्नी है, क्योंकि किसी ना किसी ह्यूमन जर्नी में तो आप हैं ही ना। ज़िंदगी चल ही रही है, यात्रा है, आए हैं और आगे काम भी करने हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इस धरती पर आने के बाद आपको क्या लगा है और आपको क्या सोल पर्पस आपका फील होता है। आपको यहाँ पर मैं निकालती हूँ ये वाले 3 कार्ड्स। यस, वांस, स्वॉर्ड्स एंड वांस। वांस कहें या वांस कहें, स्टिक कहें, व्हाटएवर, जो भी आप कहना चाहें, बात एक ही है। बात यह है कि ये साइन जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि आपके अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी एरीज, लियो, सजिटेरियस है, उस चीज़ को अगर आप उस राशि में हैं तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर ये बात आ रही है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये कहता है कि बहुत कुछ देखभाल के ही चल रहे हैं सब कुछ, अगला, पिछला, मेरी पिछली क्या गलतियाँ थी और आगे मैं क्या करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मुझे आगे लाइफ में करना क्या है। कुछ सागर भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है आप अपने देश से थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड हो गए हों, या फिर यूँ कहें कि आप विदेश में रहते हों। विदेश का मतलब ये नहीं है कि भारत से ही बाहर, हो सकता है कि आप पैदा ही वहाँ हुए हों, किसी और देश में, वहाँ से दूसरी जगह जाने की आप सोच रहे हों कि नहीं, मुझे अपने ही देश जाना है, जहाँ आप पैदा हुए वहाँ से आप दूर निकले हुए हैं। और आपको लगा था कि मैं जॉब या किसी और पर्पस से, या शादी या पैसा कमाने के पर्पस से बाहर निकला हुआ हूँ या निकली हुई हूँ, लेकिन अब मेरा सोल पर्पस क्या हो गया? सब खूब कमाना हो गया, पैसा हो गया, 3D मटेरियलिस्टिक लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन मुझे ये अचानक लगा है कि अब मुझे आगे क्या करना है। तो ऐसी आपकी सोल लगातार आपको क्रेव कर रही थी, लेकिन एस ऑफ वांड्स ये कहते हैं कि आपको वो चीज़ मिलने ही वाली है। जस्ट अर्ज पर हैं आप, यानी कि आपको आपके एंजल्स या भगवान पूरी तरीके से गाइड कर रहे हैं। यहाँ पर मैं ISIS कार्ड्स में से ले लेती हूँ। ये क्या कार्ड्स क्या बता रहे हैं? लेडी ऑफ द स्टार्स, लेडी ऑफ द स्टार्स एंड प्रिस्टेस ऑफ साइरसस, सीरियस, सॉरी, द डार्क मिस्ट्रीज, नेक्स्ट, ओ ब्यूटिफुल, एंटर द चैम्बर ऑफ द डार्क गुडनेस। मैं यहाँ पर ये 2 कार्ड्स लूँगी सिर्फ, ठीक है। इसी में ही आपकी रीडिंग बहुत अच्छी होने वाली है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा कि कितने ही ज्वलंत कार्ड हैं, रेड एंड येलो इसमें आभा दिखाई दे रही है। वैसे भी ये रेड कार्ड, सॉरी, रेड वांड्स जो हैं अग्नि तत्व के जो भी राशियाँ हैं, जोडियक साइन हैं, उनको रिप्रेजेंट करती हैं, फायर साइन के, ठीक है। तो लेडी ऑफ द स्टार्स यानी कि ये कार्ड्स यही बता रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ आपने देखा है और कुछ आगे भी अपनी लाइफ को बढ़ाना चाह रहे हैं। मैं नोटबुक में से भी पढ़ना चाहूँगी कि इसमें और भी ज़्यादा क्या चीज़ लिखी होगी। प्रिस्टेस ऑफ सीरियस, सीरियस भी आपका एक डिवाइन ही है, उस वजह से आपको अपनी लाइफ में बहुत कुछ पाना है, जस्ट पाने ही वाले हैं। तो ये कार्ड जो है आपको बहुत कुछ बताना चाह रहा है, ये कार्ड यही बता रहा है
प्रिंसेस ऑफ सीरियस कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है और अब बस ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की ओर है। जिस तरह से आप ये देख रहे हैं ना इस कार्ड को कि किसी एक मोमेंट का है, जैसे डांस मोमेंट में अचानक एक फ़ोटो क्लिक हो जाती है ना, उसी तरह से है। बहुत झंझावतें हुई, मतलब बहुत झंझट हुए अपनी लाइफ में, आपके यहाँ से वहाँ भागे, वहाँ से यहाँ भागे, कभी इस रिलेशन, कभी उस रिलेशन, कभी ये काम, कभी वो काम, वो आपको लगातार आप करते रहे हैं और आपको अभी तक क्लियर रास्ता जस्ट मिलने ही वाला है और अब आप सोच पा रहे हैं, क्योंकि द नेक्स्ट कार्ड है द डार्क मिस्ट्रीज, एंटर द चैम्बर ऑफ द डार्क गॉडेस, यानी कि उस डार्कनेस में आप जा चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें कहते हैं ना कि एक कोप भवन में बैठना और बहुत ज़बरदस्त तरीके से रोना धोना, वो सारे काम आपके हो चुके हैं। द डार्क मिस्ट्रीज यही बताते हैं, यहाँ पर लिखा है द डार्क गॉडेस कॉल्स यू टू हर इनर चैम्बर, डार्क गॉडेस आपको बुलाती हैं कि आपके इनर चैम्बर में कि आप इधर आएं। इनर चैम्बर आपका इनर वर्क भी हो सकता है, आपके अपने अंदर झांकना भी हो सकता है। शी होल्ड्स अ टेस्ट एंड अ गिफ्ट फॉर यू, ये वही तो बात है, डार्कनेस में आप गए, आपने अपना टेस्ट दिया और अब आप वहाँ से गिफ्ट लेकर वापस आ रहे हैं। द टेस्ट इज योर विलिंगनेस टू मीट एंड रिलीज द फियर्स विद इन दैट हैव बीन सीक्रेटली होल्डिंग यू बैक। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप, ऐसे डर, ऐसी नेगेटिविटी हैं जिनसे आपने पार पाया है और जो कि आपको पीछे की ओर धकेल रही थी, अब आप उससे पीछे की ओर नहीं धकेल सकते हैं। द गिफ्ट इज़ फ्रीडम, ईश्वर से आपको प्राप्त हुआ है। द गिफ्ट इज़ फ्रीडम, पीस, अपॉर्चुनिटी एंड प्रॉस्पेरिटी इन ऑल इट्स फॉर्म, हर तरह की प्रॉस्पेरिटी। ऐसा नहीं होता है कि अगर आपके पास 2 रुपये थे तो अब आप 2 करोड़ के मालिक हो गए, ऐसी बात नहीं होती। इसका मतलब ये होता है कि अबंडेंस का मतलब भी ये नहीं होता, अबंडेंस का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, कि आपके लिए भी है और आपके घर मेहमान भी आए तो वो भी भूखा ना रहे, मतलब कि मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, वो वाली बात है। तो ये चीज़ आपके अंदर आ चुकी है, आपने अपने आप को बड़े ज़बरदस्त तरीके से संभाला है, प्यार किया है, सेल्फ लव किया है, सेल्फ रिस्पेक्ट की है, बहुत तकलीफ हुई है, आपने अपने आप को पूरी तरीके से, जिसे कहते हैं ना ईगल, जब अपने आप को नया जीवन पाता है आफ्टर 40, तो वो अपने अपनी चोंच, अपने पंख, अपने हर चीज़ को तोड़ ताड़ के सब एकदम एक साइड कर देता है। एंड आफ्टर 40 मतलब 6 to 9 months उसको लगते हैं वापस उसके पंख आने में, और फिर से वो एक छलांग लगाता है ऊपर से, जहाँ कोई नहीं होता वहाँ पर वो भूखा मर रहा होता है। तो ऐसी ही सिचुएशन आपके साथ हुई, जब आपने बहुत कुछ देखा, अब आप उस डार्कनेस से डरना, जिसे कहते हैं मृत्यु से डरना, किसी की अपनी मृत्यु से डरना, या अपनों को खो देना, या अब मेरे साथ, अब इससे बुरा क्या होगा, मतलब एंड बॉटम ऑफ द लाइफ आपने देख लिया है, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, अब कुछ गड़बड़ नहीं हो सकती, ये चीज़ आपने देख ली है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, ब्यूटीफुल रीडिंग है, यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप, ऑल इन ऑल मैं ये बता देती हूँ कि आपने बहुत कुछ डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरे, अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में ली, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है उस चीज़ को देखा और लगातार काम पे लग गए हैं। आपने कहा कहने दो दुनिया को जो कहना है, मैं तो अपने लिए काम करूँगी। यहाँ देख रहे हैं ना रेड मणि, ये आपके अंदर के अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है कि यस मैं भी कुछ हूँ, मैं इस धरती पर आई हूँ या आया हूँ तो कुछ तो कर्म करके जाना है ना, कुछ अच्छा। तो किसी ने कुछ बुरा बोल दिया या बुरा कर दिया तो वैसे ही थोड़ी ना चला जाऊँगा, फिर तो उनकी जीत है, मेरी जीत कब होगी, वो आपने जीत अपनी रिकमेंड कर ही दी है अपने लिए। सो आपकी सोल पर्पस बहुत ही अच्छे से आगे चल रहा है, सोल पर्पस आपने अपना ढूंढ ही लिया है कि दूसरों की भी हेल्प करना, सबसे पहले अपनी हेल्प करना हमेशा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हेलो एंड वेलकम, आपने 9 नंबर को चुना है, 9 कलर आपका रेड है और आप भी बहुत ही एंथुसियास्टिक मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, कैसे अभी देख लेते हैं, जान लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। सोल असेंशन आपके कहाँ तक चली है, सोल पर्पस आप ढूंढ भी पाए हैं कि नहीं, अभी देख लेते हैं, अभी सब कुछ पता चल जाएगा। 1, 2 एंड 3, ओ माई गॉड, ये क्या किया, ये क्या किया, द डेविल एनर्जी, डेविल एनर्जी में हैं आप, नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत परेशान हैं, बहुत रो रहे हैं, आपको डीएम से भी तकलीफ है, डीएम को भी तकलीफ है और आपको डीएम की तकलीफ से भी तकलीफ है, इतना ज़्यादा आपने आपको बांध के क्यों रखा है आपने,
ऐसा भी समझ में आ रहा है कि आप दोनों मैरिड हैं, ये भी दिख रहा है। घर में भी पता चल गया हो, ये भी हो सकता है। और ये भी दिख रहा है कि दोनों के ही ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई एविल एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी मतलब ब्लैक मैजिक भी हो सकता है। इस ऑकल्ट विद्या में कोई ना कोई आप दोनों के प्यार के बीच में है, और इस वजह से आप अपने सोल पर्पस, तो क्या आप दिन का खाना पीना भी वो सब नहीं हो पा रहा है। लेकिन चिंता ना करें, एस ऑफ सॉर्ड्स है, एस ऑफ सॉर्ड्स मतलब एंजल्स है ना, वो आपको कम्युनिकेट करवाएंगे। आप दोनों की बात भी नहीं हो रही है, आप ये सोच रहे हैं कि मैं अब सारी सिचुएशन को संभाल लूं, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। आपने अपना होश खो दिया है, नहीं पता क्या पहना है क्या नहीं पहनना है, किसको क्या बोलना है, खाना खाया भी है कि नहीं। इतनी गलत और नेगेटिव एनर्जी में आप चल रहे हैं। नहीं, प्लीज़ ऐसा अपने साथ मत कीजिए, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो ऐसा हो सकता है, द डार्क नाइट ऑफ द सोल से हो सकता है कि आप इस टाइम गुजर रहे हो, लेकिन अपने आप को और नीचे और नीचे और नीचे लाने की ज़रूरत नहीं है। बस बहुत हो गया इस। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों के स्पाउस भी आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते। हो सकता है कि कार्मिक हो, या आपको नहीं समझ में आ रहा हुई किस तरह के हैं, ये ऐसे क्यों रहते हैं। ये हर तरह से बंधन ही बंधन दिखाई दे रहा है। इस ज़िंदगी से आगे आप निकलना चाहते हैं, लेकिन सोल पर्पस भी नहीं समझ में आ रहा। बस सुनते हैं, देखते हैं वीडियोस, नहीं समझ में आता है कहाँ से क्या सोल पर्पस देखें, क्या करें। क्योंकि रोज़ की एक ही थॉट चलती रहती है दिमाग में कि अब आगे क्या होगा, वो मुझसे बात कब करेंगे। अगर यहीं पर ही आपकी जर्नी अटकी हुई है, रुकी हुई है, तो इसे आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स आया हुआ है। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि देखिए, रिकन्सिलिएशन या बात तो ज़रूर होगी, लेकिन डिपेंड करता है आपके एक्शंस पर, कि ये एक्शंस आपके पॉजिटिव हो सकते हैं आपके लिए या नेगेटिव। यहाँ पर ISI से ओरेकल कार्ड्स में से मैंने आपके लिए 2 कार्ड्स निकाले हैं। दोनों ही बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स हैं, इससे पहले ये कार्ड्स नहीं आए थे। बहुत ही सुंदर, आप यहाँ देख सकते हैं। मैजिक एंड रिचुअल क्राफ्टिंग सेक्रेट प्रैक्टिस। सेक्रेट प्रैक्टिस यानी कि पवित्र एक्टिविटीज़ में आप लग्न हैं। मुझे लगता है आपने रेकी हीलिंग, चक्रा हीलिंग, मेडिटेशन एंड योगा, इस तरह के काम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी तो हुई थी, लेकिन ये नेगेटिव एनर्जी की वजह से, ये डेविल एनर्जी की वजह से कुछ गड़बड़ वापस से हो गई है। बीच में आप बहुत ही अच्छी एनर्जी में आ गए थे, खूबसूरत हो गए थे, लोग आपकी तारीफ़ करने लगे थे, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई। लाइफ रिस्टोर्ड प्रिस्टेस ऑफ द फिनिक्स। ओ वाह, यानी कि घबराने की किसी भी तरह की ज़रूरत नहीं है। प्रिस्टेस ऑफ द फिनिक्स यहाँ पर आया हुआ है, यानी कि आप अब बहुत सारी मुसीबतों में अभी हैं, फिलहाल हैं। मैंने बताया ना, डेविल एनर्जी है, तो डार्क नाइट ऑफ द सोल से आप गुजर रहे होंगे, तो इसमें ये चीज़ें, ये मुसीबतें तो आएंगी ही, कि हस्बैंड या आपका स्पाउस ठीक से बात ना करे, या DM आपके ठीक से बात ना करें। दूसरा, ट्विन फ्लेम जर्नी में वाकई आप हैं, तो ये सारी चीज़ें द डार्क नाइट ऑफ द सोल की तरफ से, या सोल क्रेविंग जिसे कहते हैं, हार्ट रेंचिंग वाली सिचुएशन होती है, ये सिचुएशन तो आपके साथ आएगी ही। अभी तो आप कहेंगे कि हाँ मैम, ये तो हो रहा है, मैं तो आराम से बोल रही हूँ। तो ये सारी चीज़ों से जब आप निकल जाएंगे ना, तो आप भी इसी तरीके से लाइट मूड में रहेंगे, आराम से बोलेंगे, और इस चीज़ को एग्जैक्टली समझ पाएंगे, तभी तो आप दूसरों की हेल्प भी कर पाएंगे ना। तो मैजिक एंड रिचुअल में आपके लिए क्या लिखा हुआ है, ये मैं देख लेती हूँ एग्जैक्टली, क्योंकि बुक बहुत बड़ी है, बहुत कुछ इसमें लिखा हुआ है ओरेकल में, और इतना सब कुछ है। प्लस सेक्रेट प्रैक्टिस विद द लेडी ISIS भी है, जहाँ इन्होंने ये भी बताया है कि I am, इस तरह से अपने आप को अफर्मेशंस देनी होती है, जैसे आई एम द लाइट डिवाइन, आई एम द लव सबली सबलाइम, आई एम द पीस बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, I am। यहाँ जो भी इस तरह की अफर्मेशंस दी जाती हैं क्रिश्चियनिटी में, तो वहाँ आई एम शब्द का यूज़ बहुत होता है, कि मैं हूँ,
इंसान को यह याद दिलाने के लिए कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं भी कुछ हूँ। ठीक है, सबके लिए काम करना है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है, लेकिन खुद को तो नहीं ना भूलना है। तो यहाँ पर क्राफ्टिंग सेक्रेट प्रैक्टिस में लिखा है, इफ़ेक्ट्स इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड कैन बी क्रिएटेड थ्रू इनर प्रैक्टिस। ठीक है, इनर प्रैक्टिस करेंगे या इनर गाइडेंस लेंगे या फिर इनर वर्क जिसे कहते हैं, उस चीज़ को अगर आप लगातार काम करते रहेंगे इनर वर्क में कि मैं क्या सोच रही हूँ, क्यों सोच रही हूँ, ये आपने किसी को बताना नहीं है। मेरे पास इतने मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे, अभी मुझे ये हो रहा है, अभी मुझे ये फील हो रहा है, अभी मैं ये परेशान हूँ, अभी उन्होंने ये कह दिया, अभी ये मैसेज आया, किसी और को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई और आपकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन इस तरह से नहीं दे सकता है जितना आप खुद को अपने आप को दे सकते हैं। समझ लीजिए इस बात को अच्छी तरीके से, क्योंकि दूसरा और भी काम कर रहा होता है, वो इरिटेट भी हो सकता है या डिस्टर्बेंस उनको क्रिएट हो सकती है। तो बेसिकली आपने करना क्या है, अपनी डायरी बनाइए, ना कि किसी को व्हाट्सएप पे बताइए। अपनी डायरी बताएं, लिखें, प्रैक्टिस करें, लिखें कि मुझे अभी ये फील हो रहा है, यहाँ से ऐसा मैसेज आया, वहाँ से ऐसा आया, आपका मन हल्का होगा। और इससे क्या होता है कि दूसरा इंसान भी डिस्टर्ब नहीं होगा। इनर वर्क पर काम आपको लगातार करना है। द रिजल्ट दैट यू एक्सपीरियंस विल एनकरेज यू टू कंटिन्यू विद द प्रैक्टिस एज यू ग्रो इन पावर। और ये जो रिजल्ट होगा ना आपका, जो कि आप खुद से लिखेंगे कि हाँ आज मैंने, तो इससे क्या होगा कि डे टू डे लिखेंगे, डेट ज़रूर पुट कीजिएगा, इससे क्या होगा कि आप देख पाएंगे कि अरे कल के दिन तो मैंने ऐसा सोचा था, आज तो मैं फिर भी ठीक हूँ, लेकिन फिर से नेगेटिव एनर्जी में आ जाते हैं, परसों वाली एनर्जी में, तो फिर आपको चेक करने की ज़रूरत है कि मुझे, मेरे अंदर कहाँ गलती हो रही है, आपके दिमाग में क्या थॉट चल रहा है और इसको कैसे सुधारना है, आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता। ठीक है, कंसल्टेशन होती है अलग से, वो चीज़ अलग है, टैरो रीडिंग में आपको पूछते हैं वो बात अलग है, एक घंटा बीता आपका और मेरा कनेक्शन कट हो जाता है, बट आपका आपके साथ कनेक्शन तो 24/7 है ना। जैसे कि डीएम, अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं तो डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी आपके दिमाग में रहती है, उसी तरह से आप भी तो अपने साथ हैं, आप कोई अलग तो नहीं है, आपका शरीर आपकी सोल एक ही तो है। तो आपने इस चीज़ को ध्यान देना है कि असल में मुझे क्या करना है, और यही प्रैक्टिस रोज़ की आपको आपके अंदर के प्यार, ग्रेस, लव, एबिलिटी एंड विजडम को लेकर आएगी। ठीक है, लाइफ रिस्टोर्ड का मतलब है कि लाइफ वाकई आपकी अब पूरी तरीके से आगे बढ़ रही है, मतलब जो भी कुछ बचा हुआ था उसको आप समेटने में लगे हैं। और समेटते समेटते अब आपको ये ध्यान आ रहा है कि मैं कौन हूँ, और मैं कौन हूँ अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आया, इससे बड़ी तो और कोई बात ही नहीं है। जहाँ इंसान ने सोचा कि मैं कौन हूँ, अपने आप को सर्च करने लगा, तो वहीं फिनिक्स की तरह वो राइज करता है। फिनिक्स माने स्पिरिचुअल रीअश्योरेंस इज गिफ्टेड टू यू नाउ, वट एवर पार्ट ऑफ यू और योर लाइफ यू थॉट टू बी डेड इज बीइंग रिवाइव्ड। आपके अंदर का जो भी मृत आत्मा हो गई, मतलब जो भी आपके अंदर ख़त्म हो गया ना, उस चीज़ को रिस्टोर करने का टाइम है। मान लीजिए आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ही खो दिया और सेल्फ लव को ही बिल्कुल ही भूल गए, नहाना धोना खाना पीना सब रेस्टलेस हो गया, सोना भी नहीं, तो अब आपको अपनी लाइफ को, लाइफ क्या है, जो आप सांस ले रहे हैं वही तो लाइफ है, आप जिंदा हैं यही तो लाइफ है। ठीक है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि ये कोई लाइफ है, आप सांस ले रहे हैं सबसे बड़ी अच्छी बात तो यही है, बिना रोक टोक आपको सांस आ रही जा रही है ना, उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ रहा, एक सांस ले ली, इनहेल कर लिया, एक्सहेल करूँ कि नहीं करूँ, एक्सहेल तो हो गया, इनहेल करूँ कि नहीं, अरे इनहेल करना भूल गई, ऐसा तो नहीं हो रहा ना, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, नेचर आपके साथ है, भगवान आपके साथ है। आगे आप काम करिए कि आपको अपने आप को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, तो जो भी कुछ आपके अंदर ख़त्म हुआ है उसको वापस से पाने की चाहत आपको जगानी होगी। जस्ट एज द फिनिक्स राइजेस फ्रॉम द फायर, फिनिक्स जो है बिल्कुल अग्नि से होकर निकलता है, जैसे कहते हैं, अब आप लोग बार बार बोलते हैं माँ पार्वती ने इतनी तपस्या करी हमें भी वो करनी है, तो माँ पार्वती का कम से कम 1% तो बनने की कोशिश करें। अगर आप ट्विन फ्लेम में हैं और माँ पार्वती का बार बार उदाहरण डिवाइन फेमिनाइन के लिए देते हैं, तो 1% तो कम से कम बनने की कोशिश करें। अगर आप डेविल एनर्जी में ही यूँ पड़े रहेंगे तो आगे काम कैसे चलेगा, ये बात है ना। सिर्फ बोलने की बात नहीं है कि हम डीएफ हैं और ये हैं वो हैं,
काम करना पड़ेगा, विदाउट कर्मा कुछ नहीं होगा, यहाँ लिखा भी तो हुआ है ये देखिए। तो जब आप इस अग्नि से, इस तपस्या से बाहर निकलेंगे तभी आप ट्रांसफॉर्म हो पाएंगे। ट्रांजिशनिंग फ्रॉम डेथ इंटू लाइफ, सो टू विल यू राइज अगेन हील्ड एंड रिन्यूड। अभी मैं इसको इतना ही पढ़ूंगी क्योंकि ये बहुत सारा कुछ है लिखा हुआ। मैं आपको ऑलरेडी समझा ही चुकी हूँ कि लाइफ को आपको खुद को रिस्टोर करना है, खुद से करना है। डीएम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ टाइम के लिए छोड़ना होगा। अगर दूसरे की एनर्जी से आपकी मन की शांति भंग होती है वो चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी, कितना ही तकलीफ हो रही हो। इसीलिए ये तकलीफ तो आपको झेलनी पड़ेगी। जैसे फिनिक्स अग्नि से होकर निकलकर ऊपर की ओर बढ़ता है, उसी तरीके से आपने करना है। जैसे पिछले कार्ड रीडिंग में, फर्स्ट जो कार्ड था उस रीडिंग में मैंने ईगल का उदाहरण दिया था, तो सेम इसी तरीके से फिनिक्स भी एक तरह से ईगल ही है जो आसमान में अग्नि की तरह समान चमकता हुआ दिखता है और बिल्कुल ही उस तरह का एक एनर्जी होता है। तो ये अग्नि, आप ये समझ लीजिए, मैं बता देती हूँ, ये आपकी अग्नि परीक्षा है। सिंपल, अगर आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में ना, ये आपकी अग्नि परीक्षा है और ये आपको देनी है। दीजिए और बाहर निकलिए। बेकार की जो भी नेगेटिव एनर्जी और गंदगी है ना, उसको तलहटी पर ही रहने दीजिए, नीचे ही रहने दीजिए। आपको ऊपर उड़ना है, आगे भागना है, आगे उड़ना है। पंख फैलाइए अपने और काम करिए, उड़िए पंख फैला के। बाय, थैंक यू सो मच।